कोरोना के चलते एक महीने बंद रहने के बाद आज से हरियाणा में कक्षा 10वीं 11वीं और 12वीं के लिए सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को खोल दिया गया है। स्कूल में उन्हीं बच्चों को आने की अनुमति मिल रही है जिन्होंने वैक्सीन की पहली डोज लगाई है। अम्बाला के प्रेमनगर स्थित सरकारी स्कूल में पहले दिन बहुत ही कम बच्चे पढ़ने के लिए पहुंचे। स्कूल के गेट पर ही बच्चों का तापमान और अभिभावकों द्वारा दिया गया कंसल्ट लेटर चेक किया गया। एक महीने बाद स्कूल आने पर बच्चे काफी खुश नजर आए। छात्रों का कहना है कि अगले महीने हमारे बोर्ड के एग्जाम्स होंगे जिसके लिए अब हम स्कूल आकर तैयारी कर सकेंगे। कोरोना के कारण पढ़ाई का भारी नुकसान हुआ है, ऑनलाइन पढ़ाई ज्यादा कारगर नहीं है जिसके चलते स्कूल खुलने पर हम खुश हैं। सर स्कूल खुलने का सर हमें फायदा तो बहुत है क्योंकि सर कोरोना के टाइम में एक तो सर पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा था। वो कह रहे थे कि ऑनलाइन क्लासेस लगाओ। सर ऑनलाइन क्लासेस में सर समझ तो आता है लेकिन कभी नेटवर्क इशू हो जाता है सर, उसके कारण जो डाउट रह जाते हैं वो क्लियर नहीं हो पाते। तो सर अब स्कूल आकर हमारा मैम डाउट क्लियर कर देते हैं। जैसे हमारा अभी एक महीने बाद पेपर है तो जो सर हमारा थोड़ा पीछे का रह रहा है सिलेबस वो भी कंप्लीट हो जाएगा जिससे हमारा थोड़ा रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। और हम चाहते हैं सर छोटे क्लासेस के भी खुल जाएँ स्कूल क्योंकि सर वैक्सीनेशन जो सर करवाई लिया गवर्नमेंट वैक्सीनेशन करवा रही है तो सर सर्टिफिकेट के बाद अलाउड कर ही देते हैं। काफ़ी टाइम बाद स्कूल खुले हैं तो हमारी पहले पढ़ाई का बहुत नुकसान हो चुका क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में भी इतना ज़्यादा पढ़ाई पर इफेक्ट नहीं पड़ता जितना कि ऑफलाइन में पड़ता है। अगर हमारी ऑनलाइन क्लास लगती थी बट फिर भी ऑफलाइन में ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा होता है। और अब नेक्स्ट हमारी जो क्लास है वो बॉडी क्लास होगी तो हमको इस क्लास में बहुत ज़्यादा अपना फोकस लगाना पड़ेगा तो इसलिए ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। आज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं वैसे क्योंकि एक महीने के लिए जो स्कूल बंद हो गए थे उसके कोविड के कारण हो गए थे। कोविड ने पहले ही देश को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया और हमारी पढ़ाई को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमारी बोर्ड की क्लास है, बोर्ड की क्लास में जो हम ऑनलाइन इतना अच्छा नहीं पढ़ पाते, जो टीचर्स फेस टू फेस हम उनसे डाउट्स क्लियर कर पाते हैं वो हम ऐसे नहीं, ऑनलाइन वैसे कर तो देते हैं बट इतना क्लियरली नहीं कर पाते कि जो हम स्कूल में आके कर सकते हैं। और आज हम स्कूल में आए हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है और इस आशा करते हैं कि जो छोटे बच्चों की क्लासेस हैं उनकी भी खुल जाएं क्योंकि उनकी भी पढ़ाई का इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। वहीं स्कूल की वाइस प्रिंसिपल ने बताया कि हमारे स्कूल में तीनों कक्षाओं में 400 के करीब बच्चे पढ़ते हैं। बच्चों को ऑड इवन के हिसाब से स्कूल बुलाया जा रहा है। बिना वैक्सीनेशन और अभिभावकों की अनुमति के स्कूल में आने की परमिशन बच्चों को नहीं दी गई। स्कूल में एक दिन पहले सैनिटाइजेशन करवा दिया गया था। सरकारी आदेशानुसार आज हमारे स्कूल दोबारा से खुले हैं। एक महीने के बाद विंटर वेकेशन भी रहा और कोविड के चलते स्कूल बंद भी रहे तो आज एक महीने बाद स्कूल खुलने पे हम सब बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे हमारे आए हैं ना 10th, 11th और 12th, तीन क्लासेस को परमिशन मिली है विद्यालय में आने की क्योंकि बड़े बच्चे हैं और मैक्सिमम बच्चों का वैक्सीनेशन हो गया है। बच्चे 400 के करीब बच्चा है हमारे पास 10th, 11th और 12th में, जिसमें से हम 50% बच्चों को एक दिन बुलाएंगे, 50% बच्चों को एक दिन बुलाएंगे और उन्हीं बच्चों को बुलाया जाएगा जिनका वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया है। किसी बच्चे को फोर्स नहीं किया गया है विद्यालय आने के लिए क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेंगी। जिन बच्चों के पेरेंट्स अलाउ करेंगे बच्चों का स्कूल में आना वही बच्चे विद्यालय में आएंगे। क्या कुछ नियम बनाए गए हैं कि गेट पर चेक किया जा रहा है? गेट पे बच्चों का टेम्परेचर चेक हो रहा है, विद्यालय को सैनिटाइज करवा लिया गया है, सभी बच्चे मास्क पहनकर आएंगे, प्रॉपर दूरी से बैठेंगे स्कूल में क्लास में अपनी और जितने भी जरूरी इंतजाम हैं वो करवा लिए गए हैं। आपको बता दें हरियाणा में आज से कक्षा 10वीं 11वीं और 12वीं के लिए सभी स्कूलों को खोल दिया गया है। पहले दिन बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिला। बच्चों का कहना है कि ऑनलाइन की बजाय स्कूल आकर पढ़ना ज्यादा इफेक्टिव है। अब वो स्कूल आकर अगले महीने होने वाले बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी कर पाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।